हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो यहाँ पे सबके लिए नाश्ता बन चुका है और पीयू के लिए अब बन रही है मैगी। उसका आज मैगी खाने का मन हो रहा है तो उसने कहा मम्मी मुझे मैगी बनाओ, तो ये मैगी सिर्फ पीयू के लिए बन रही है यहाँ पे। तो मैगी बन चुकी है, मैं इसको पीयू को दे दूँगी। वो उठ उठ के सुबह से ही बोल रही थी, उसने कल ही कह दिया था मुझे मैगी बनाना मम्मी सुबह। तो उसकी मैगी बन के तैयार है। तो अभी जो है सुबह सब्जी फ्रूट वगैरह लाए थे, तो सब्जी सारी मैंने धो ली है और ये आलू और प्याज रह गए थे, तो इन्हें मैं अब दोपहर में धो के थोड़ी देर बाहर धूप में डाल दूंगी बालकनी में। तो यहीं पे इन्हीं को मैं धो रही हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी जो है तरबूज खा रहे हैं। फिर सामने बैठी इन सबको मैं तरबूज काट के दे लूँगी शाम के टाइम पे, फिर इनके लिए बनाऊँगी अनार का जूस। अभी शाम को जो है मैं बना रही हूँ फेस पैक, वो मैंने बहुत पहले भी बताया था। उसके बाद मैंने 2 दिन लगाया, तीसरी बार मैं लगा रही हूँ तब से। बस ऐसे ही आलस कर लेती हूँ। एक तो इनकी तबीयत की वजह से जैसे कुछ करने का मन नहीं करता, तो मैंने लगाया ही नहीं तब से। आज तीसरी बार लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन लिया, थोड़ा सा हल्दी और आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ लूँगी, और एलोवेरा वो वाला नहीं मेरे पास, हाँ तो मैं यही वाला डाल रही हूँ पतंजलि वाला। तो ये सारी चीज़ें मैं इनमें अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से 5-10 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा लूँगी। तो लगा लिया मैंने पूरे चेहरे पे इसको और 10 मिनट के बाद मैं अपना चेहरा साफ कर लूँगी। सो फ्रेंड, मैं अपने चेहरे पे जो फेस पैक लगाया था उसके बाद मैं वॉश करके आ चुकी हूँ। तो मैंने 10 मिनट लगा के रखा, और जो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो डाली थी ये फेस पैक लगाने की, जब मेरी बहुत सारी झाइयाँ थी, तो उसके बाद मैंने आज तीसरी बार लगाया। तो 3 बार लगा चुकी हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। तो पहले आपने लोगों ने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में, देखो यहाँ पे कितने डार्क डार्क यहाँ तक हो रखी थी, यहाँ तक, और यहाँ पे बहुत काले काले चट्टे से पड़ रखी थी झाइयों के। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्के हैं अभी, लेकिन कम है अब। 3 बार लगा चुकी हूँ, 2 या 3 बार फिर लगाऊंगी, उसके बाद देखते हैं बिल्कुल साफ़ होते कि नहीं होती है। तो वैसे मैं बाहर की क्रीम यूज नहीं करती हूँ, और यूज कर दी भी हो तो वैसे भी लॉकडाउन है, तो तब तक घर में ऐसे ही जो है काम चलाना है। तो थोड़ा बहुत तो काम तो कर रहे हैं। पहले तो बिल्कुल ही कैमरे के सामने बिल्कुल शर्म आ रही थी, बिल्कुल ऐसे धब्बे से पड़ रखे थे ना दोनों गाल पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो चुके थे काले काले। अब तो हल्के हल्के हैं, बिल्कुल हल्के हैं, तो फर्क तो बहुत है पहले से। चलिए अब तो 7:15 हो चुके हैं, थोड़ा छत में चलती हूँ।
पे बन रही है सब्जी। दो मैंने दो बड़े प्याज काटे भिंडी की सब्जी के लिए, तो गरम तेल गरम होने के बाद मैं उसमें प्याज डाल दिया, और प्याज मैंने हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया, तो उसमें एक छोटा सा टमाटर डाल दिया क्योंकि बच्चे ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं करते। तो टमाटर प्याज डालने के बाद इसमें सूखे मसाले, ये नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला वगैरह जो भी सूखे मसाले होते हैं, इनको मैं इसमें ऐड कर लूँगी और थोड़ी देर टमाटर को गलने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर टमाटर गलने के लिए छोड़ दूँगी मैं इसमें सारे मसाले ऐड करके। तो टमाटर नमक डालने के बाद जो है टमाटर जल्दी से गल जाता है। तो बच्चों को तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो कुछ मैं करेले की सब्ज़ी बना रखी है पीयू के लिए और पीयू के पापा के लिए, करेले की सब्ज़ी और हमारे लिए ये करेले की सब्ज़ी है। ये तो इन दो के लिए, पीयू निविका मैं करेले खाऊंगी, उसके पापा के लिए बिना टमाटर वाले। और ये देखो यहाँ पे टमाटर गल चुके हैं और इसमें मैं कटी हुई भिंडी ऐड कर लूँगी, और पानी तो बिल्कुल नहीं डालना इसमें, भिंडी की सब्ज़ी सूखी होती है, इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। साथ साथ यहाँ पे आटा भी लगा रही हूँ और सब्जी बन चुकी है। सब्जी बन के तैयार है। कल मॉर्निंग में मैंने पीयू की जो है हेयर कटिंग की थी, वो वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई इनके हाथ से, पीयू के या गौरव के किसके हाथ से डिलीट हो गई, स्कूल का काम करते थे किसी ने डिलीट कर ली, तो उसकी वीडियो मैं बता नहीं पाई। एक महीने पहले मैंने इसकी हेयर कटिंग की थी, तो अब फुल लंबे हो गए थे बाल, तो कल मैंने फिर हेयर कटिंग की इसकी। तो बोलो कि हाय करो। तो इस वीडियो का यही पे एंड कर लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।